गाइस, तो आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो इज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है डेली क्विज, और ये सीरीज कब तक चलेगी कुछ पता नहीं। इसमें आपको हर रोज एक क्वेश्चन मैथ का और एक क्वेश्चन फिजिक्स का मिला करेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें यहाँ पर गिवन है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का मॉड प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये हमारी हो गई इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के दो केस बनेंगे। तो चलो केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू होगा। तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू होगा, तो यहाँ पे अगर हम माइनस टू की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम इसे पॉजिटिव से खोलेंगे और फिर प्लस एक्स, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे एक्स से एक्स कटे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? इसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, चलो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू ग्रेटर देन जीरो। तो अब आपको पता पड़ गया होगा कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे रूट टू एंड माइनस रूट टू। तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो चलो अब वेव कट मेथड लगाते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ गई माइनस ओवर रूट टू एंड इसकी रूट टू प्लस माइनस एंड प्लस। वी हैव टू फाइंड ग्रेटर देन जीरो, सो देर आर टू प्लस इन दिस वेव कर्व नंबर लाइन। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस केस एग्जिस्ट। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। मुझे पता है आपको एक चीज़ इसमें समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि देखो अब यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस टू से बड़ी लेंगे तो सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे क्या? इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब अगर ये माइनस टू से छोटी हुई तो केवल इतनी वैल्यू को लो, तो इतनी वैल्यू को एक्स प्लस टू। अगर जैसे ये माइनस टू से छोटी हुई तो जैसे माइनस थ्री हुई तो माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। और अगर माइनस टू से बड़ी जैसे कि माइनस वन, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस टू इसकी वैल्यू आ जाएगी वन, विच इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा क्यों कि हमने ये वैल्यू प्लस से क्यों खोली है। तो अब केस टू के बारे में जानते हैं। लो अब सेकंड केस लेते हैं। हियर कम्स केस टू। तो केस टू में हमारी इक्वेशन माइनस से खुलेगी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि इसमें हमारा एक्स माइनस टू से छोटा होगा। अब अगर
माइनस टू से छोटा होगा तो नेगेटिव से घुलेगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, क्योंकि देखो ये है तो माइनस टू से छोटा था माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस टू वन, सॉरी माइनस वन, तो माइनस वन नेगेटिव है मीन्स जीरो से छोटी है, तो ये माइनस टू से छोटी संख्या पे आती है। अब ऐसे ही ये यहाँ पे ये नेगेटिव से खुल गई है, तो फिर चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, हो सकता है आप ये ना समझे हो, तो चलो मैं अब दोबारा समझा देता हूँ। जैसे एक्स प्लस टू, अब यहाँ इसका हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला था, माइनस टू। अब अगर माइनस टू से छोटी वैल्यू रखेंगे, जैसे माइनस थ्री माइनस फोर रख के चलो, माइनस फोर प्लस टू, तो इसकी वैल्यू आई माइनस टू। अब ये जीरो से तो छोटी है ना, तो इससे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, और माइनस टू से वैल्यू छोटी लेंगे, जैसे हमने माइनस फोर ली थी, तो माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस टू, तो माइनस फोर प्लस टू क्या हो गया माइनस टू। अब इसके ऊपर एक और माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गई। तो हम अगर इसे नेगेटिव से खोलते हैं, जैसे अगर माइनस ऊपर माइनस बाहर लगा के खोलते हैं, तो ये पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव रहेगी, और केवल ऐसे ही खोल देते बिना माइनस लगाए तो वो हो जाएगी नेगेटिव। अभी मैंने आपको समझा दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब हमारा ये आ गया, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब एक्स की हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा केवल इस इक्वेशन के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं तो चलो अब इससे प्रूव करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। इसके रूट्स आएंगे माइनस वन प्लस माइनस टू, माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और यू कैन से इमेजिनरी नंबर होता है जो रियल नंबर लाइन पर कभी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ इस केस में हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अब अगर हमें अपना फाइनल आंसर लेना होगा, तो एक्स का केस वन में और केस टू में जो वैल्यू है उन दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे आ गया हमारा माइनस रूट टू, और यहाँ पे आ गया हमारा रूट टू। और हमें ये तो पूरी दिया, सेकंड केस में पूरी नंबर लाइन है, और फर्स्ट केस में ये है और ये है, यहाँ पे है ओपन सर्कल, तो ये वाले पोर्शन कॉमन आ रहे हैं, मींस यही इंटरसेक्शन है। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टू यूनियन रूट टू टू इन्फिनिटी। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स टू यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Now, tata, bye bye, see you in next video.